हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख ली थी। आज हमें कंप्यूटर मेमोरी करना है। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। हमने पिछले वीडियोज में देखा है प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही थी, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती। जब भी कोई डेटा प्रोसेस में होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कीबोर्ड में टाइप किया 8+8, ये डाटा प्रोसेस में है और ये ALU के पास जाकर इसका प्लस ऑपरेशन होगा, तो ये मेन मेमोरी के थ्रू जाता है यानी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू जाता है। जो भी चीज़ का प्रोसेसिंग होनी है वो थोड़ी देर के लिए प्राइमरी मेमोरी में आ जाती है। तो बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है और ये वोलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में एक्चुअली दो टाइप होते हैं, एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल आप वेकेंट से याद रख सकते हैं, मतलब अगर पावर ऑफ किया तो इसमें जो भी डाटा है वो वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी है लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ी देर के लिए कोई गेम खेलना शुरू किया तो उसका जो भी प्रोसेसर है, डेटा है, प्रोसेसिंग है, वो रैम में आ जाएगा, रैम मेमोरी में आ जाएगा और रैम मेमोरी कम्युनिकेट करेगी सीपीयू से, उसके तहत आप गेम खेल सकते हैं। हम मोबाइल लेने जाते हैं तो ये देखते भी हैं 2GB रैम होना चाहिए, 2GB रैम होना चाहिए, 64GB रोम होना चाहिए। ऐसे 2GB मतलब थोड़ी सी स्पेस चाहिए, जब भी कोई चीज़ प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पर वो डेटा चाहिए इस मेमोरी में, रैम में, और जब वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो चीज़ हम जैसे गेम खेल चुके होंगे तो वो रैम से हट जाएगा या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए खेलते खेलते, तो हम ऑन करेंगे तो फिर वो जो बीच में गेम में हम हो रहे होंगे तो वो गेम हट जाएगा, क्योंकि वो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, खत्म, वेकेंट हो गई, लेकिन फिर भी आपका जो गेमिंग ऐप है वो रहेगा क्योंकि वो रोम में है, अभी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम एंड दूसरी होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फास्ट एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम यानी कि मेमोरी बनाने के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, स्टैटिक रैम बनाने के लिए मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। कभी आया नहीं है पेपर में, आप एक बार देख लो बस। स्टैटिक रैम फास्ट है इसलिए कभी कभी हम इसको कैश मेमोरी की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैश मेमोरी आपने मोबाइल चलाते हो तो देखा ही होगा, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे जब ALU अपना ऑपरेशन करता है तो मेमोरी फास्ट ऑपरेशन करने के लिए रजिस्टर से डेटा निकालता है, ये काफी फास्ट मेमोरी है, लेकिन रजिस्टर की मेमोरी काफी कम होती है। कभी अगर ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो रजिस्टर के पास एक और मेमोरी लगाते हैं, बफर मेमोरी। ओके, तो ऐसे ही एक कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को कहीं यहाँ लगा देते हैं सीपीयू और प्राइमरी स्टोरेज के बीच में। कभी अगर रजिस्टर फुल हो जाए तो कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी है, डेटा यहीं से जाता रहेगा। तभी आप देखना जब भी कोई ज्यादा प्रोसेसिंग होती है तो कैश मेमोरी फुल हो जाती है और मोबाइल हैंग करने लगता है, तो कैश मेमोरी खाली रहनी चाहिए जिससे ये ALU को अपना डेटा फास्ट देती रहे। फिर नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल है। फर्स्ट हम देख सकते हैं एक है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको PROM बोलते हैं। इसमें एक बार अगर कोई प्रोग्राम सेट हो गया तो वो मेमोरी खाली नहीं हो सकती, उसमें वही प्रोग्राम सेट रहेगा हमेशा। सेकेंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप नाम से ही चेक कर सकते हैं इरेज हो सकता है प्रोग्राम, ऐसे ही इरेज नहीं होगा। इस मेमोरी में अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी, अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको इरेज करना पड़ेगा इस मेमोरी को, इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल रहे हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज हो रही है तो इसी को कभी कभी अल्ट्रावायलेट इरेजेबल PROM बोल देते हैं, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल PROM। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक पल्सेस के आगे रखने से इसको इरेज किया जा सकता है इस मेमोरी को। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी जिसका सीपीयू से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का जो पेन ड्राइव आती थी वो, उसके अलावा आपने सुना होगा CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड तो पहले से ही सुन रखा है। एंड थर्ड आपने जरूर सुना होगा हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये तीनों मैग्नेटिक स्टोरेज है। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव देखते हैं। जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो हार्ड डिस्क देखते हैं, हार्ड डिस्क कितना है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसमें आप देख रहे होंगे ये बीच में है स्पिंडल जो नॉन मैग्नेटिक डिस्क को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम प्लेटर बोल रहे हैं। मतलब जो भी रिकॉर्डेड डेटा है हार्ड डिस्क ड्राइव में वो प्लेटर के पास होता है। हर प्लेटर को दो रीड राइट हेड की जरूरत पड़ती है, एक ये हेड है और एक ये हेड है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटर से निकाली जाएगी यानी कि मेमोरी से निकाली जाएगी तो रीड राइट हेड के थ्रू ही निकाली जाएगी। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, इसकी काफ़ी कम स्टोरेज रहती है। वैसे तो ये 3 साइज में आती है और जितना मोटा साइज होता है उतनी ही कम स्टोरेज होती है, 8, 5, 1, 4 एंड 3, 1, 2।
फिर है मैग्नेटिक टेप, ये आपने जरूर देखा होगा, मैग्नेटिक टेप लगभग 500 से 1200 मीटर लॉन्ग होता है, आप समझ रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर हो गया ये तो। नेक्स्ट है सीडी, इसी में देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये तीन टाइप की होती हैं, जैसे सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है सीडी आर, आर यानी रिकॉर्डेबल, एक होता है सीडी आर डब्ल्यू यानी कि री राइटेबल, तो तीन होती हैं ऐसे। डीवीडी तीन होती हैं, डीवीडी रोम, डीवीडी आर यानी रीडेबल, डीवीडी आर यानी रिकॉर्डेबल एंड डीवीडी आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल। उसके बाद पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, तो आपको पता है पेन ड्राइव 1 GB से 512 GB तक आती है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। सबसे कम मेमोरी वाली डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, आपको अभी बोला तीन साइज में आती है, सबसे मोटी, सबसे कम MB स्टोर कर पाती है, यानी कि 8 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क ओनली 80 KB से 242 KB तक स्टोर कर पाती है। ये आपको कोई भी नंबर याद नहीं करने, बस इतना ध्यान रखना है फ्लॉपी डिस्क सबसे कम। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसका होगा, मैग्नेटिक टेप, ये तो होना ही था क्योंकि मैग्नेटिक टेप आपने देखा 1200 मीटर लॉन्ग थी, 1 किलोमीटर लंबी मैग्नेटिक टेप, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज रहता है, अप टू 1 TB तक इसमें स्टोरेज हो सकता है, TB यानी टेरावाइट। इसके बीच में अगर हम इमेजिन भी करें तो भी सेट कर सकते हैं किसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी। हमारे पास ऑप्शन है CD, DVD एंड पेन ड्राइव, तो डेफिनेटली CD पहले आएगा, इसकी स्टोरेज थोड़ी कम होगी, DVD की उससे ज़्यादा होगी और पेन ड्राइव की उससे ज़्यादा होगी, ये ऑर्डर है। अब कुछ बेसिक मेमोरी यूनिट देख लेते हैं, कौन सी मेमोरी ज़्यादा है, क्या यूनिट है, वो आप एक बार देख लें। सबसे पहले बाइनरी डिजिट से बना है बिट, 1 बिट यानी कि बाइनरी डिजिट से बिट बना है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 या फिर 1। और बाइनरी डिजिट हम 4-4 में ही लिखते हैं, 8421 से काउंट करते हैं, आपने देखा होगा जैसे हमें 8 को लिखना है तो 1000 ये हो गया, अगर हमें 4 को लिखना है तो 0100 ऐसे हो गया। तो ये 4 बाइनरी डिजिट और एक और 4 बाइनरी डिजिट ऐसे मान सकते हैं, एक बाइट बनाते हैं, यानी 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। आप सोचें कि अगर एक बिट बाइनरी डिजिट हो रहा है, 4 बिट अलग से बाइट बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, 4 का ये 4 का ये 2 यानी 8 बिट्स एक बाइट बनाते हैं, ये कैसा कन्फ्यूजन हो गया, आप याद रखो अभी 8 बिट 1 बाइट बनाते हैं। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना, ये ऑटोमेटिक आपको पता होगा, काफ़ी मोबाइल चला लिया होगा आपने, 1024 1024 बाइट 1 MB बनाएगा, मेगाबाइट से फिर GB कैसे जाएगा आपको पता है ना, 1 TB, उसके बाद 1 EB, उसके बाद YZ नहीं है, WXYZ ऐसे आता है ना, ABC WXYZ, YZ नहीं है, ZY है, यानी 1 ZB एंड 1 YB, और इसके बाद लास्ट में है 1 BW एंड लास्ट 1 GB। ये हमेशा ही पूरा लिखना पड़ेगा GB, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में GB लिख दिया तो ये 1 GB से कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए GB पूरा लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी यूनिट GB ही है, देखो टेराबाइट तक आपको याद रहेगा, बस बीच में एक एग्जाबाइट याद करना है, यहाँ YZ नहीं है, ZY है, इतना ध्यान रख लेंगे, GB से लास्ट वाला याद आ जाएगा, दैट्स इट। तो मेमोरी के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ा टॉपिक था फिर भी हमने 10 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई किया, थैंक यू।